हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद हम लोग मनाते हैं लड्डू गोपाल जी की छठी। तो जब घर में छोटा बच्चा होता तो उसकी भी हम 6 दिन बाद पूजा करते हैं छठी की। तो इसी प्रकार से हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी की छठी की पूजा विधि करेंगे। और ये पूजा विधि मैं किस प्रकार से करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपने इस वीडियो में। तो गाइस चलिए मिलकर करते हैं लड्डू गोपाल जी की छठी की पूजा। जन्माष्टमी की पूजा 2 दिन की गई है, तो 6 और 7 तारीख को। तो जिन्होंने 6 सितंबर को की है वो करेंगे 11 सितंबर को छठी की पूजा, और जिन्होंने 7 तारीख को की है वो 12 सितंबर को छठी की पूजा करेंगे। लेकिन मंगलवार होने के कारण हम लोगों के यहाँ पे मंगलवार के दिन छठी की पूजा नहीं की जाती, इसलिए हम सोमवार के दिन 11 सितंबर को छठी की पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे आज है 11 सितंबर, तो 11 सितंबर द्वादशी पड़ रही है, तो एकादशी के अगले दिन द्वादशी होती है, और द्वादशी का दिन सोमवार का दिन है और बहुत ही शुभ दिन है, इसलिए हम यहाँ पे छठी की पूजा आज के दिन कर रहे हैं अपने घर में। छठी की पूजा वाले दिन कढ़ी चावल बनाया जाता है, तो यहाँ पे मैंने कढ़ी चावल प्रसाद में बनाए हैं। तो गाइस यहाँ पे जो एक बर्तन देख रहे हैं इसमें मैं बिना लहसुन प्याज वाला ही खाना बनाती हूँ। तो ये भोगते हमारे बर्तन है जो मैं पूजा में यूज़ करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे कढ़ी चावल हमारे बन के तैयार हैं, तो चलिए चलते हैं अब हम मंदिर में। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पे मंदिर में। तो ये मेरे घर का मंदिर है और यहाँ पे मैंने कर ली है सारी पूजा की तैयारियाँ। यहाँ देखिए ये मैंने पीली चुन्नी ओढ़ी है, तो ये पीली चुन्नी को पीलिया कहा जाता है। जब घर में बच्चा होता है या बेटा होता है तो ये चुन्नी मईके से आती है, तो ये चुन्नी हमेशा शुभ काम में ओढ़ी जाती है। तो गाइस यहाँ पे आज छठी कर रही हूँ मैं लड्डू गोपाल जी की, इसलिए मैंने ये पीलिया ओढ़ा है। छठी की पूजा वाले दिन हम घर पे छोटे बच्चे के लिए भी काजल बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी के लिए भी काजल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी की चांदी की चम्मच ली है और चम्मच के ऊपर मैंने देसी घी लगा दिया। आप चाहे तो इसके ऊपर सरसों का तेल या कड़वा तेल जिसे कहते हैं उसे भी लगा सकते हैं। और दीपक की लोक के ऊपर मैंने ऐसे रखा है जो सारा इसका जो धुआं है इस चम्मच पे आके रुक जाए। तो गाइस यहाँ पे मैं ये काजल बना रही हूँ, और ये काजल बना के हम किसी डिब्बी में या फिर खजरोटा जिसे कहते हैं उसके अंदर रख सकते हैं। तो गाइस ये कुछ इस तरीके से मेरा ये काजल बन के तैयार है। और यहाँ पे ये काजल को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और चलिए अब करते हैं हम लड्डू गोपाल जी की छठी के दूध की विधि। तो छठी के दूध की विधि कैसे करते हैं ये देखिए। हाँ, मैंने गाय का कच्चा दूध इतना लिया है कि हमारे लड्डू गोपाल जी ने इसमें अच्छे से डुबकी लगाई है, और ये मैंने 3 बारी डुबकी लगाई है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए हमने ये विधि की है। तो गाइज यहाँ पे आपका जो भी मंत्र हो आप इसे पढ़ के आप ये विधि कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारे छठी के दूध की भी पूरी विधि हो चुकी है, और ये दूध हम अपने घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको पिला सकते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, और नहीं है तो आप इसकी चाय बना के भी पी सकते हैं। तो गाइज ये छठी के दूध की विधि पूरी हुई, और चलिए अब लड्डू गोपाल जी को हम करते हैं तैयार। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को हम पहनाएंगे अब नजरिया। तो नजरिया पहनाने की भी परंपरा है, तो आप नजरिया हाथों में पहना सकते हैं, इन्हें पैरों में पहना सकते हैं, जैसे भी आप पहनाना चाहे पहना सकते हैं। गले में चांद सूरज पहनाया जाता है आज के दिन, तो ये सारी चीज़ें भगवान जी या बच्चे को हम पहना सकते हैं। तो देखिए ये हमारे बाल रूप में हमारे छोटे से बच्चे हैं, तो हमने बिल्कुल उसी तरीके से सारी रिवाज किया जो हम अपने बच्चे की छठी में करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी भी एक बाल रूप में हैं, और चलिए अब हम इन्हें कपड़े भी अच्छे से पहना देते हैं। हमने काजल बनाया था, अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी की आंखों में वो काजल लगाऊंगी। और यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी को काजल लगा दिया है, तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी काजल लगा के कैसे लग रहे हैं। तो साथ में लगा देते हैं हम इनको नज़र का टीका, तो हमने इन्हें टीका भी लगा दिया। तो इसी तरीके से मैं अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को भी काजल लगाऊंगी और टीका इनको भी लगा देंगे नज़र का। अब हम यहाँ पे लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को भोग। तो भोग में जो हमने कढ़ी चावल बनाए हैं वो लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कढ़ी चावल ले लिए हैं, और लड्डू गोपाल जी को हम अब प्रेम पूर्वक खिलाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने कढ़ी चावल दोनों लगा के लड्डू गोपाल जी को थोड़ा थोड़ा करके खिलाऊंगी। तो ये हमारे छठी का खाना भी लड्डू गोपाल जी ने खा लिया, और उसके बाद ये जितना भी प्रसाद होगा वो हम सब घर में आपस में बाँट के खा लेंगे। तो गाइस इस तरीके से हमारी छठी की पूजा विधि पूरी हुई है। अपने घर में बहुत ही सरल और आसान तरीके से पूजा पाठ करती हूँ, और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाना।
मेरे चैनल को सपोर्ट करना भी मत भूलना। तो सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइज, आप लोगों के साथ मैं ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करती रहूँगी। जल्दी मिलेंगे हम आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।